हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फायर डिटेक्टर्स के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि फायर डिटेक्टर यानी कि होता क्या है और फायर डिटेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं यानी कि उसके प्रकार क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फायर डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके कारण हम फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो सिग्नल है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड कर सकते हैं। फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है फायर के स्मोक से, यानी कि फायर से निकलने वाली जो स्मोक है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी फ्लेम है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी हीट होती है उससे फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है, या फिर ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है फायर को और उसका जो सिग्नल होता है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड करता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर डिटेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या है। तो सबसे पहला जो फायर डिटेक्टर का जो टाइप आता है वो होता है स्मोक डिटेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है वो है हीट डिटेक्टर। और फिर उसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो है फ्लेम डिटेक्टर। अब ये स्मोक डिटेक्टर क्या है, हीट डिटेक्टर क्या है और फ्लेम डिटेक्टर क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अब जानते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स है फायर डिटेक्टर्स के, तो इनके भी टाइप होते हैं, तो वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर के क्या टाइप्स होते हैं। तो स्मोक डिटेक्टर का पहला टाइप आता है वो है आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। फिर उसका सेकंड टाइप आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है उसके भी दो टाइप है। तो उसका टाइप वन है लाइट ऑब्सकरेशन और दूसरा टाइप है वो है लाइट स्कैटरिंग। तो आपको यहाँ पर खाली ये समझना है कि इसके टाइप्स क्या है और कौन से हैं, और इसकी जो डिटेल्स में जानकारी है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है हीट डिटेक्टर। तो हीट डिटेक्टर की भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर। फिर उसके बाद सेकंड टाइप आता है वो है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, जिसे हम ROR भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है फ्लेम डिटेक्टर। तो उसके भी दो टाइप आते हैं। तो उसका सबसे पहला टाइप है इंफ्रारेड डिटेक्टर, यानी कि जिसे हम IR कहते हैं, और दूसरा है अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर, जिसे हम UV कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर डिटेक्टर्स जो है उसके मेनली तीन टाइप होते हैं, जो है स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर, और फिर उनके भी जो है वो टाइप्स आते हैं। तो अब ये स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, हीट डिटेक्टर क्या होता है, फ्लेम डिटेक्टर क्या होता है और उनके टाइप्स जो है उसकी डिटेल्स में जो है हम जानकारी अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर डिटेक्टर यानी कि होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।